हेलो दोस्तों, वेलकम टू ISPCS होम। दोस्तों, ये वीडियो है, जो भी इम्पोर्टेंट नेम चेंज हुआ है पिछले 1 सालों में, तो उसको लेकर ये वीडियो मैंने बनाया है। इसमें सारे इम्पोर्टेंट ये शामिल किए गए हैं, जितने भी नाम बदले गए हैं उस पे जो है से ये वीडियो है, और आप पूरा देखिएगा। और आपको जो है से यहाँ पे हर एक जो है से जो भी इससे क्वेश्चन बन सकते हैं आपको एग्जामिनेशन में, जो भी नाम अगर इसको लेकर इस पे क्वेश्चन आते हैं तो आपको जो है इसमें मिलेगा, यहाँ से आपको क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। और दोस्तों, मैं 69th BPSC और कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसको लेकर मैं फाउंडेशन बैच चला रहा हूँ। इस पर NCERT जो है, 6th क्लास की NCERT मैंने करा दिया है हिस्ट्री और साइंस की, और 7th की NCERT हिस्ट्री और साइंस की चल रही है। तो आप लोग जो है इस चैनल से जुड़ जाइए, और जो है से टेलीग्राम पे भी जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम का नाम इसी चैनल के नाम से है, ISPCS होम, और जो है से आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो वहां से जो है आप PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। ये PDF भी मैं टेलीग्राम पर आपको डाल दूंगा, ये सही सेशन खत्म होगा उसके बाद जो है से वहाँ आपको डाल दूंगा। और जो है से दोस्तों, 68th BPSC मेंस का भी आंसर राइटिंग मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, तो उसमें जो है से निबंध पे मैंने बताया है कि कैसे किस तरह से निबंध लिखा जाता है, तो उसको आप लोग जरूर जाकर देखिए। और जो है से NCERT का कोर्स जैसे ही खत्म हो जाएगा, मैं 12th तक जो है उसको पूरा कोर्स को आपको पहले 10th तक, उसके बाद जो है से 12th तक जो है NCERT आप लोगों को करा दूंगा, ताकि NCERT से कोई भी क्वेश्चन बने तो आपका उससे वहाँ छूटे नहीं। और उसके बाद जो है से सप्लीमेंट्री बुक भी स्टार्ट करूंगा, और टेस्ट सीरीज वगैरह भी मैं आपको लेकर आऊंगा। तो आप लोग जो है कोई भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल से जरूर जुड़ जाइए, और अपनी तैयारी को अच्छी यहाँ से कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। तो दोस्तों, अगर लेक्चर पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये जो है सब बदले गए नाम है, कौन कौन नाम है, तो पहला जो है इसमें जो लेटेस्ट बदला गया है, तो मुगल गार्डन दिल्ली, उसका नाम क्या कर दिया गया है, अमृत उद्यान। मुगल अमृत, मुगल अमृत स्पीकर आए नहीं थे तो मुगल गार्डन का नाम कर दिया गया अमृत उद्यान। अमृतकाल चल रहा है अभी इसलिए। इस्लाम नगर गांव मध्य प्रदेश, तो इस्लाम नगर गांव जो है मध्य प्रदेश में से जो है से जगदीशपुर, जगदीशपुर इसका नाम जो है चेंज करके कर दिया गया है। इस्लाम नगर गांव मध्य प्रदेश का नाम जगदीशपुर कर दिया गया है। उसके बाद है महाकाल कॉरिडोर उज्जैन, तो महाकाल कॉरिडोर उज्जैन में है, इसका नाम जो चेंज करके कर दिया गया श्री महाकाल लोक, ये कर दिया गया श्री महाकाल लोक, इसका नाम कर दिया गया महाकाल कॉरिडोर उज्जैन का। उसका नेक्स्ट है फैजाबाद कैंट, तो फैजाबाद कैंट जो है उसका नाम क्या कर दिया गया, अयोध्या कैंट, अयोध्या कैंट कर दिया गया फैजाबाद कैंट का नाम, उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद नेक्स्ट है होलोंगी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट अरुणाचल प्रदेश, होलोंगी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट अरुणाचल प्रदेश में है, उसका नाम जो है चेंज करके क्या कर दिया गया, डोनी पोलो एयरपोर्ट, डोनी पोलो एयरपोर्ट। उसके बाद है दौलताबाद किला, दौलताबाद किला कहाँ है, महाराष्ट्र में है, इसका नाम जो चेंज करके कर दिया गया है देवगिरी किला, दौलताबाद का देवगिरी किला। देव डे बहुत दौलत पर, दो लोगों को देव जो है देव के थ्रू जो दौलत प्रोवाइड होता है देवी के थ्रू। नेक्स्ट है राजपथ, राजपथ दिल्ली का नाम जो है वो चेंज कर दिया गया, अब क्या हो गया है, दिल्ली में जो राजपथ स्थित था उसका नाम चेंज करके कर्तव्य पथ कर दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है किवितु सैन्य शिविर, किवितु सैन्य शिविर अरुणाचल प्रदेश में स्थित था, उसका नाम चेंज करके जो है पहले CDS जो थे हमारे उनके नाम पे कर दिया गया है जनरल बिपिन रावत मिलिट्री गैरिसन, इसका नाम रख दिया गया है जनरल बिपिन रावत मिलिट्री गैरिसन, किसका नाम है, किवितु सैन्य शिविर अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद नेक्स्ट है कि चंडीगढ़ हवाई अड्डा, चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदल कर क्या रख दिया गया है, शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम चेंज करके रख दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड, इंग्लैंड में स्थित है लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड, और उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, सुनील गावस्कर क्रिकेट ग्राउंड जो है इसका नाम कर दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है 0.5140, 0.5140 द्रास सेक्टर में है, और इसका नाम चेंज करके कर दिया गया है गन हिल। उसके बाद नेक्स्ट है औरंगाबाद जिला, तो औरंगाबाद जिला महाराष्ट्र में स्थित है, और इसका नाम जो है अभी अभी चेंज हुआ है कुछ दिन पहले, तो उसका नाम कर दिया गया है संभाजी नगर कर दिया गया, औरंगाबाद का जो है नाम संभाजी नगर कर दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान, तो राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान का जो है नाम बदल कर क्या कर दिया गया है, गति शक्ति विश्वविद्यालय, गति शक्ति विश्वविद्यालय कर दिया गया है राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान का नाम बदल कर। उसके बाद नेक्स्ट है हरिजन शब्द, तो हरिजन शब्द का जो है नाम चेंज कर करके क्या कर दिया गया है, डॉक्टर अंबेडकर, और ये किया गया है दिल्ली सरकार के द्वारा, डॉक्टर अंबेडकर जो है हरिजन शब्द का नाम चेंज करके कर दिया है। नेक्स्ट है शिवपुरी ग्राम पंचायत, तो शिवपुरी ग्राम पंचायत का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, कुंडेश्वर धाम। टाटा स्काई, तो टाटा स्काई का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, टाटा प्ले, टाटा प्ले नाम रख दिया है टाटा स्काई का।
उसके बाद नेक्स्ट है मियां का बाड़ा रेलवे स्टेशन राजस्थान। तो मियां का बाड़ा रेलवे स्टेशन कहाँ? राजस्थान। उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? महेश नगर हॉल्ट। महेश नगर हॉल्ट कर दिया गया है मियां का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करके। उसके बाद नेक्स्ट है होशंगाबाद मध्य प्रदेश में। होशंगाबाद का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? नर्मदापुरम। नर्मदापुरम जो है इसका नाम रख दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है केवड़िया रेलवे स्टेशन। तो केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम गुजरात में ही स्थित है और इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? एकता नगर रेलवे स्टेशन। केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। पहली बालिका पंचायत यहीं स्टार्ट हुई है और जो है से यहीं पे जो है सरदार पटेल की जो है से स्टैचू भी यहीं पर निर्माण किया गया है। नेक्स्ट है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। तो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नेहरू रोड, जवाहरलाल नेहरू रोड सिक्किम में स्थित था, उसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? नरेंद्र मोदी मार्ग कर दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है बिहार मखाना। पहले बिहार मखाना के नाम से जाना जाता था, अब इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? मिथिला मखाना। मिथिला मखाना जो है इसका नाम कर दिया गया है और इसको जीआई टैग भी मिला था पिछले वर्ष। नेक्स्ट है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? राम गंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है कर दिया गया है। राम गंगा राष्ट्रीय उद्यान इसका नाम कर दिया गया है, उत्तराखंड में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट है मैनपुरी सैनिक स्कूल। तो मैनपुरी सैनिक स्कूल जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है, मैनपुरी सैनिक स्कूल, और इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? जनरल बिपिन रावत सैनिक स्कूल। जनरल बिपिन रावत सैनिक स्कूल जो है इसका नाम कर दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है झांसी रेलवे स्टेशन। तो झांसी रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश में है, इसका नाम जो चेंज करके कर दिया गया है वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। झांसी रेलवे स्टेशन का नाम कर दिया गया है वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। उसके बाद नेक्स्ट है पताल पानी रेलवे स्टेशन, मध्य प्रदेश में स्थित है पताल पानी रेलवे स्टेशन, और इसका जो नाम चेंज कर दिया गया है तांत्या मामा रेलवे स्टेशन। तांत्या मामा रेलवे स्टेशन ये एक ट्राइबल लीडर थे, उसी के नाम पे कर दिया गया है। नेक्स्ट हबीबगंज रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश। तो हबीबगंज रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश का नाम चेंज किनके नाम पे रख दिया गया है? रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के नाम पे कर दिया गया, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। उसके बाद लोकसभा और राज्यसभा टीवी जो पहले था उसको मिला के क्या कर दिया गया आप? संसद टीवी। संसद टीवी जो है इसका नाम कर दिया गया है। तो नेक्स्ट है मिड डे मील योजना। तो मिड डे मील योजना ये 1995 में शुरू हुई थी जो सबसे पहले, और उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया आप? पीएम पोषण स्कीम। पीएम पोषण स्कीम कर दिया गया। नेक्स्ट है राजीव गांधी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान। राजीव गांधी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है, असम में, और इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? औरंग राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद सेना खेल संस्थान पुणे। सेना खेल संस्थान पुणे में स्थित है और इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? नीरज चोपड़ा स्टेडियम कर दिया गया है। सेना खेल संस्थान पुणे में जो है उसका नाम चेंज करके नीरज चोपड़ा स्टेडियम कर दिया गया है। यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, उसको मैं ठीक कर दूंगा पीडीएफ में। उसका नेक्स्ट है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है इसका नाम कर दिया गया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। उसके बाद नेक्स्ट है इस बार का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसको दिया गया है? तो अक्षत कमल को दिया गया है इस बार का खेल रत्न पुरस्कार। नेक्स्ट है फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया है। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम चेंज कर अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया है। उसके बाद मुंडेरा बाजार गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में स्थित है, उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? चौड़ी चौड़ा बाजार कर दिया गया है। चौड़ी चौड़ा बाजार, मुंडेरा बाजार का नाम चेंज करके चौड़ी चौड़ा बाजार कर दिया गया है। तो दोस्तों ये था कुछ महत्वपूर्ण जो है जो नाम अभी चेंज हुआ है, बदला है, तो वो मैंने आपको करा दिया इंपॉर्टेंट। तो आप जो है पूरा वीडियो देख लिए होंगे, अगर पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आगे भी मैं इस तरह से वीडियो लेकर आते रहूँगा। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। टिल देन गुड बाय।